इस वीडियो में हम ड्रिल मशीन के बारे में बात करेंगे। ड्रिल मशीन इलेक्ट्रिकल के काम में यूज़ होने वाला एक पावर टूल होता है, जिसे चलाने के लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। ड्रिल मशीन की बात करें तो ड्रिल मशीन की मदद से हम होल का काम करते हैं। कहीं पे अगर हमें होल करना है, जैसे उस काम में हम यूज़ करते हैं, जैसे इसका यूज़ हम लकड़ी में होल करने के लिए, दीवार में, कंक्रीट वगैरह में होल करने के लिए, साथ साथ में जो मेटल वगैरह की शीट्स होती है उस पर हम इसकी मदद से होल कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे होल करने के लिए हम अलग अलग टाइप की बिट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम देखें, यहाँ पे हमारे पास कुछ बिट्स के डायग्राम दे के रखें। जैसे कि हम इस बिट की बात करें तो सिंपल जनरल पर्पस ट्विस्टेड बिट है। इसकी बात करें तो प्योर पॉइंट वुड के लिए, मतलब अगर हमें सिंपल लकड़ी है, लकड़ी में छेद करना है, तो उसके लिए हम ये वाली बिट यूज़ करते हैं। अगर हमें कंक्रीट, स्टोन या ब्रिक्स वगैरह में, ईंट वगैरह में छेद करना है, तो उसके लिए हम ये वाली बिट यूज़ करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में इसका सिरा देख सकते हैं, इसके सिरे की बात करें तो ये थोड़ा सा फ्लैट होता है, और सिंपल अगर हम जनरल पर्पस वाले की बात करें तो ये डिफरेंस रहा, ये आप इसके सिरे पे देख सकते हैं, ये अपने स्टोन, ब्रिक्स और कंक्रीट के लिए रहती है। इसके अलावा अगर हमें बड़ी मात्रा में अगर लकड़ी अगर मोटी है, उसमें अगर होल करना है, तो उसके लिए हम ये वाली बिट का यूज़ करते हैं। अगर हमें स्क्रू वगैरह कसना है तो उसके लिए हम इस बिट का यूज़ कर सकते हैं, स्क्रू वगैरह कसने के लिए या निकालने के लिए, और ये हमारा होल सा होता है। लकड़ी वगैरह में अगर हमें गोल होल करना होता है तो हम इस होल सो बिट का यूज़ करते हैं, इसे लगाते हैं। इसके मदद से हम लकड़ी तथा प्लास्टिक दोनों में गोल होल कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो ड्रिल मशीन होती है ये काम किस तरीके से करती है और किस तरीके से हम इसको चलाते हैं। तो हम इसे पावर सप्लाई में कनेक्ट कर देंगे। अब ये इसकी अलग अलग फंक्शन है, जैसे हम देख लेते हैं, इसमें अलग अलग बटन्स दे के रखी है। ये जैसे कि हम ये ऊपर वाले पॉइंट में देखें, इस बटन, इसकी मदद से हम इसे सेट कर सकते हैं कि अगर हमें कंक्रीट वगैरह में लगाना है तो उस कंडीशन में हम हेमर पे इसको सेट करते हैं, और अगर हमें सिंपल होल करना है तो उस कंडीशन में हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे। इसके अलावा इस बटन को अगर हम देखें, अगर ये बाहर की साइड रहता है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, मतलब सिंपल आगे की ओर ड्रिल करेगा, और जब ड्रिल करने के बाद कभी कभार बिट फंस जाती है उसमें, तो उसे वापस निकालने के लिए हम सिंपल इसको प्रेस करेंगे तो ड्रिल हमारी रिवर्स में काम करती है, मतलब वापस निकलने लगेगा और जो ड्रिल मशीन होगी ये हमारी रिवर्स में काम करेगी। एक बार हम देख लेते हैं, जैसे फॉरवर्ड है तो ये जो बटन है, इस वाले स्विच को जब हम प्रेस करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा ड्रिल मशीन काम करना चालू कर देती। अब देखते हैं, हमने इसको आगे की ओर करके रखा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो ये किस तरीके से काम करता है देखते। ये सिंपल अगर आप देख सकते हैं, इसे फॉरवर्ड में रखा हम लोगों ने, ये देखिए इसकी डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, और इसी की बजाय अगर हम इस बटन को प्रेस कर दें और इसके बाद अगर हम इसे देखें तो आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में मूव करती है। तो इसकी मदद से अगर पीट वगैरह अंदर फंस जाती है तो जब हम रिवर्स में करते हैं तो स्मूथली वो बाहर की ओर निकल आती है। इस तरीके से इसके यूज़ करते हैं। इसमें एक ये वाली बटन देके रखिए, इसकी मदद से जैसे हम ड्रिल वगैरह करते हैं तो उस कंडीशन में हमें इसे कंटिन्यू पकड़ के नहीं रखना पड़ता है, तो अगर हम ये बटन प्रेस कर देंगे तो ये जो बटन होती है ये लॉक हो जाती है, तो इस कंडीशन में हम इसे छोड़ के काम कर सकते हैं, और वापस जब हमें काम करना है तो हम इसे प्रेस करेंगे तो वापस रिमूव हो जाएगी। हम देखते हैं इसको, सिंपल हमने देखा कि उसको जब हमने प्रेस किया तो वो कंटिन्यू वर्क कर रही थी, और इसके बाद जैसे हम वापस इस वाली बटन को प्रेस करते हैं तो वो रिमूव हो जाता है और उसका लॉक खुल जाता है।
अब हम इसमें ये देखेंगे किस तरीके से बिट वगैरह लगाई जाती है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे आप देखिएगा कि ये अलग से एक लोहे की चीज़ दे के देते हैं। ये सिंपल हमारा की रहती है जिसकी मदद से हम यहाँ पे बिट लगाते हैं। बिट की बात करें तो हम देखते हैं किस तरीके से लगाते हैं। ये वाला पोर्शन रहता है, इसको घुमाने पर इसकी मदद से हम बिट को लूज़ या टाइट कर सकते हैं। ये सिंपल हो रहेगा, इसमें हम इसको गिट को लगा देंगे और इसके बाद यहाँ से इसको घुमाएंगे। इसको हम घुमाएंगे तो ये इसका मुँह आप सिरा देख सकते कस जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे की लगा के हम गिट को लॉक कर देंगे इसमें। ये बिट को लगाते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे से कसी हो। अगर ये लूज वगैरह होगी तो इस कंडीशन में ये निकल के हमें चोट पहुंचा सकती है, हमें लग सकती है। ये हमने सिंपल इसमें बिट लगा दिया। अब हम सिंपल जो हमारे पास प्लाई लकड़ी की देके रखे हैं उसमें छेद करके ड्रिल करके देखेंगे। ये ड्रिल करने से पहले हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम इससे छेद करेंगे तो इससे पहले हम जैसे अगर लोहे वगैरह अगर दीवार वगैरह या फिर लोहे में हम जब छेद करते हैं तो पंच की मदद से हम वहाँ पे एक छेद करते हैं। लकड़ी वगैरह में करते हैं तो हम पोकर की मदद से इसमें एक होल कर देंगे जिससे कि हमारी जो बिट हो उस छेद में अच्छे से सेट हो जाए और फिसले ना। जैसे हम लकड़ी में भी होल कर रहे हैं तो इसमें देख लेते हैं, ये सिंपल पोकर की मदद से हमने इसमें होल कर दिया। इसको हम ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे, इतना कर देंगे कि बिट हमारी जो ड्रिल मशीन की बिट हो वो आसानी से उसमें फिट हो जाए और स्लिप ना करे। ये सिंपल हमने कर दिया। अब इसको लेके हम फुल प्रेस करेंगे, या अब आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इसमें बिट होल कर रही है, ड्रिल मशीन कितनी आसानी से इसमें चीट कर रही है। ये जैसे इसमें बिट फंस रही तो अब इसको ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में अब इसे हम प्रेस करेंगे और रिवर्स डायरेक्शन में देखेंगे। ये सिंपल रिवर्स में हमने किया तो ये बिट उसमें से रिमूव हो गई। अब हम इसमें होल्सो की मदद से देखेंगे होल्सो को किस तरीके से फिट किया जाता है और होल्सो की मदद से कैसे इसमें छेद किया जाता है। तो सिंपल हम ये वाली जो पुरानी बिट थी इसको रिमूव करेंगे, और ये सिंपल हमारी की है, की मदद से हम पुरानी वाली बिट को सिंपल रिमूव करेंगे और उसकी जगह जो हमारा होल्सो है होल्सो की बिट को लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे। इसमें जब हम छेद करते हैं तो बिट पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बिट की जो गहराई है ये आपकी जो लकड़ी वगैरह जिसमें आप छेद कर रहे हैं उतनी होनी चाहिए, नहीं तो ये सिर्फ उतना ही होल करेगा। जैसे कि इसमें हम देखें ये एक होल किया था हमने तो ये पूरी तरीके से लकड़ी कटी नहीं इसमें, क्योंकि ये जो लकड़ी थी इसकी मोटाई ज़्यादा थी, थिकनेस पूरे जो बिट है इस बिट की थिकनेस गहराई कम है। तो ये जैसे हम देख सकते हैं ये सिर्फ इतना होल कर सकती है, तो अगर ज़्यादा गहरा करना है तो इस कंडीशन में हम बिट चेंज करेंगे। इस बिट की अगर हम गहराई देखें तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, ये इतनी है, मतलब हम इसमें अच्छे तरीके से होल कर पाएंगे। अब हम बिट चेंज करके देखते हैं, इसमें भी जब हम छेद करेंगे तो छेद करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हम पोकर या पंच की मदद से हम उसमें निशान लगा लेंगे जिसकी मदद से जो बिट वगैरह हो वो स्लिप ना करें। अब ये जैसे देखें हम यहाँ पे पोकर की मदद से एक पॉइंट बना लेते हैं, ये हमने पॉइंट बना लिया, होल कर दिया। अब इसमें जो बिट है हमारी वो अच्छे तरीके से बैठ जाएगी, देखिए। हम देख सकते हैं कितना क्लीन शेप, एक गोल राउंड होल हो गया है यहाँ पे।
तो इस तरीके से हम अलग अलग बिट्स का यूज़ करके लकड़ी की कटिंग कर सकते हैं। और बाकी दीवार वगैरह, दीवार में कंक्रीट की जो दीवार होती है, या लकड़ी में, या तो मेटल वगैरह में हम छेद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।